एक अंतरिक्ष सूट में एक समय यात्री हूँ। विभिन्न समय स्थानों और ब्रह्मांडों के माध्यम से यात्रा कर रहा हूँ। मेरे जीवन के लिए उपयुक्त जगह की खोज कर रहा हूँ। इस बार मैंने एक अजीब ग्रह की यात्रा की और एक महिला से मिला। वह रोज एक मुर्गी पालती और एक अंडा देती थी। मैंने उसके साथ बातचीत की और पता चला कि वह और अधिक अंडे खाने के लिए बहुत उत्सुक है, क्योंकि वह उन्हें अधिक धन के लिए बेचना चाहती है। मैंने उसे एक किसान और उसकी मुर्गी के बारे में ईसप की कहानी सुनाई। मुर्गी प्रतिदिन एक अंडा देती है और किसान ने सोचा कि यदि वह मुर्गी को अधिक चारा देगा तो वह मुर्गी को प्रतिदिन अधिक अंडे दे सकता है। इस तरह उसने मुर्गी को खूब चारा खिलाया, लेकिन मुर्गी ने आखिरकार देना बंद कर दिया क्योंकि वह बहुत मोटी हो गई थी और बीमार हो गई थी। कहानी सुनने के बाद महिला ने इसके बारे में सोचा और अपना विचार बदलने लगी। उसने महसूस किया कि अत्यधिक लालच बहुत खतरनाक है। यदि हम आंख बंद करके अधिक लाभ का पीछा करते हैं तो हम अपना सब कुछ खो सकते हैं। उसने यह भी जाना कि यदि वह चाहती है कि मुर्गी प्रतिदिन अधिक अंडे दे तो उसे उसकी अच्छी देखभाल करने की आवश्यकता है और उसे अधिक नहीं खिलाना चाहिए। अंत में महिला ने अपनी मुर्गी की अच्छी देखभाल करना, हर दिन समय पर खिलाना और संवारना और हर दिन एक स्वादिष्ट अंडे की कटाई करना सीखा। उन्होंने महसूस किया कि केवल मौजूदा संसाधनों की अच्छी देखभाल और सुरक्षा से ही हम अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा अत्यधिक लालच हमें और अधिक खो देगा। देखने के लिए धन्यवाद। मैं अंतरिक्ष सूट में एक समय यात्री हूँ। उम्मीद है कि अगली कहानी में आपसे मुलाकात होगी।